हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, ठाणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हम मानसिक रुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और रिश्तेदारों के अलावा भी भर्ती करते हैं। अभी ठाणा में हम नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। आज मैं आपको एक केस स्टडी और एक लेके आ रहा हूँ। वो ये है कि होमोसेक्सुअलिटी की सिर्फ विचारों में, और वो भी उसको चाहत नहीं कि वो कंटिन्यू करना है, खुद होके व्यक्ति आया। तो आइए, आपका स्वागत है। एक 29 साल का लड़का मेरे पास में आया, शादी होने की है। घर के लोग बहुत फोर्स कर रहे हैं, शादी करो, शादी करो, शादी करो। शादी पक्की हुई है, 4 महीने के बाद में शादी है, मगर वो खुद ऐसा बोलता है कि मेरा इंक्लिनेशन जो है वो लड़कों के तरफ है। मुझे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे बात करना, उनके साथ में रहना बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे कोई लड़की अच्छी दिखती नहीं है। मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं है, सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि इससे बात करेंगे, उसके साथ में बैठेंगे, बातचीत, ऐसा कुछ भी लगता नहीं है लड़की की तरफ, तो मेरा कैसा होगा। बोले, बार 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 मुझे विचार आते रहते हैं कि मैं लड़कों के साथ में सेक्स करूँ, मगर मुझे पता है कि भाई हमारे देश में ये संभव नहीं है, हमारे देश में भी लीगल नहीं है, और वैसा हमारे समाज में ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये कबूल नहीं होगा, और फिर मेरा जीवन भी ठीक नहीं रहेगा, और उसके उससे ज़्यादा भी। और ये है कि मेरे माता पिता का क्या, वो तो चाहते नहीं है कि ऐसा हो, मगर वो चाहते कि इसकी शादी होना चाहिए और शादी हो गई खुशहाल रहना चाहिए। या अभी मैं करूँ क्या। मैंने उसको पूछा कि भाई क्या आपके कोई संबंध किसके साथ में आए थे, लड़कों के साथ में, मतलब एक्चुअली सेक्स हुआ है। बोले, नहीं कभी सेक्स नहीं हुआ, मतलब ये कभी बाहर से कोई फोर प्ले किया है, कोई काम कीड़ा किया है लड़कों के साथ में, नहीं। बोले, वो भी नहीं हुआ, मतलब फिजिकली कभी कॉन्टैक्ट किसी साथ में हुआ ही नहीं है। मानसिक दृष्टि से उसको बार 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 विचार आते रहते हैं, और बार बार विचार आता है कि ये मैं कहीं लड़कों के साथ में ये संबंध करूँ, कभी किया नहीं है, और लड़की के तरफ अट्रैक्शन नहीं है। मतलब ठीक है, हरकत नहीं, बहुत अच्छा काम है, मतलब अच्छा, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो लड़का खुद हो के आया। नंबर एक, उसको उसको पूरा इंसाइड, उसको पूरा ज्ञान है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ये बराबर नहीं है, और मेरे को ना शादी करने की है लड़कों के साथ में, मेरे को तो शादी लड़की के साथ में करने की है, माता पिता को खुश रखना है, समाज की मान्यता भी इसको ही है, ये सबको उसको क्लियर है। मतलब बहुत अच्छी बात है, मुझे ट्रीटमेंट करना उसमें अच्छा होता है, मतलब जल्दी मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ और अच्छा रहता है, मतलब आसान रहता है। उसको मैंने हिप्नोटिज्म के अलग अलग एक्सरसाइज बताए, हिप्नोथेरेपी बताई, और हिप्नोथेरेपी में विजुअलाइजेशन कि भाई वो लड़की के साथ में बातचीत कर रहा है, लड़की के साथ में घूम रहा है, फिर रहा है ना, ऐसा उसको एक विजुअलाइजेशन करने लगा है। वो बार 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 विजुअलाइजेशन कर रहा है, और लड़के का कभी विचार आया तो उस समय बहुत खराब लग रहा है, ऐसी एक फीलिंग अंदर से करना, एक बहुत ही ऐसा रेस्टलेस हो गया भाई, घबराहट हो रही है, और उसके साथ में कोई लड़के का चेहरा आ गया तो एक एवर्शन टाइप ऑफ ये कि कोई मुझे चिल्ला रहा है, कोई टेंशन के वातावरण में हूँ, ऐसा दिमाग के सामने लाना। मतलब लड़के का विचार आया तो विजुअलाइजेशन करना जिसमें तकलीफ हो रही है, और लड़की का विचार लाना, उसका पिक्चर लाना, उसकी इमेज लाना, और उसके साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कंडीशनिंग उसको करना। ये उसको बताया मैंने, उसको बोला मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मतलब कम से कम 5-6 साल से ही आपका चालू है। मैंने बोला उसको, 5-6 साल से चालू है कि लड़के के विचार आ रहे हैं, अभी कम से कम 5-6 महीने तो लगेंगे कि ये फिर से जो ब्रेन पैटर्न बन गया उसके ऊपर नया पैटर्न बनाना है। तो क्योंकि मैंने बोला उसको, आपका ब्रेन पैटर्न बना हुआ है, एक नया ब्रेन पैटर्न बनाने का है, तो उसके लिए बार बार करना पड़ेगा। वो जो स्टैम्पिंग हुआ है ब्रेन के ऊपर, पक्का अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो उसको निकालना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही है कि भाई बार 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 विजुअलाइज करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, और मैंने उसको कुछ दवाई भी दी। दवाइयाँ इसके लिए है कि वो जो बार बार विचार आते हैं, ऑब्सेशन है वो, तो वो भी उससे कम हो जाएगा। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट, मतलब काफ़ी सारे दिन उसने ट्रीटमेंट लिया, और मेरे पास में जब आया हो तो बोले कि ठीक है, अभी मैं, मुझे लगता है कि मैं शादी कर सकता हूँ, और शादी करके मैं मतलब सुखी हो जाऊँगा, खुश हो जाऊँगा। वैसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो आते रहते हैं और जिनको होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन है। देखो, इसमें दो पार्ट है, एक तो होमोसेक्सुअलिटी उनको पक्का है
वो सुधरना चाहते नहीं है, सुधरना मतलब वो ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको कुछ करने का नहीं है। एक वो है, बोलते जो हम चल रहा है बराबर चल रहा है, और मेरे को तो शादी लड़के से ही करना है या उससे साथ में रहने का है। दूसरा उसको इनसाइडर बोलता कि नहीं मेरे को बदलने का है। तो ऐसे दोनों तरफ के लोग आते और वो उनका इलाज हो सकता है। आपके संपर्क में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, मगर लोग बोलते नहीं हैं, समाज में सीधी बात होती नहीं है। जुड़े वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला दो, शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि लोगों को इसका ज्ञान मिलेगा ना तो लोगों का जीवन अच्छा हो जाए। हमारा जो मिशन है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। उसके लिए उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।